नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास। बिहार से अजय कुमार दुबे की रिपोर्ट। लोकेशन गोनहा आर डब्ल्यू डी एस डी ओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। 28 जुलाई 2022 से लोजपा रामविलास पार्टी एवं शेरवा भोसकी के समस्त ग्रामीण के सहयोग से आर डब्ल्यू डी डिवीजन नरकटियागंज एवं ठेकेदार के खिलाफ महीनों से आवागमन ठप होने पर और डायवर्जन टूट जाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। लोजपा रामविलास प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महतो ने जिलाधिकारी पश्चिमी चंपारण एवं माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से मांग की है कि संबंधित अधिकारी से जांच पड़ताल करके पुनः डायवर्जन मरम्मत करा करके आवागमन को सुचारू कराया जाए, जिससे आम आवाम को दिक्कत का सामना न करना पड़े। जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, बाजार, ऑफिस जैसे संबंधित जगह पर जाने में कोई दिक्कत न हो। मौके पर मौजूद SC ST प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष नागेंद्र शर्मा एवं समस्त ग्रामीण मोहन पासवान, अनिल पाठक, अमरूल नाथ, नाथूराम, दिनेश खरवार, रघुनाथ महतो, काशी ठाकुर, राज कपूर, साथ जमुन खरवार, राम बहादुर खरवार, लालू राम, पत्रकार अनिल पाठक, अजय कुमार दुबे, प्रमोद साह, जुगल शाह, शंकर शाह, भोलू पासवान इत्यादि मौजूद रहे। 28/7/2022 को लोजपा रामविलास पार्टी एवं यहां के ग्रामीणों के सहयोग से पुल विभाग RWD SDO साहब और ठेकेदार साहब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है और हमारी मांगे है कि भूसकी चौक पर जो डाइवर्सन बना था लगभग एक महीनों से टूटा हुआ था और थोड़ा सा नहर में पानी आने के कारण पूरा बह गया, जिसके चलते यहाँ के लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, जिससे यहाँ से थरुआ क्षेत्र जुड़ा है जिसका आवागमन ठप है और जो भी बच्चे स्कूल आते जाते थे बसों से उनका भी बहुत दिक्कत हो रही है। आवागमन में ठप होने के कारण गार्जियनों का दिक्कत है, यहाँ मेडिसिन का दिक्कत है, हॉस्पिटल जाने की दिक्कत है। इस सब को देखते हुए हमारी यही माननीय मुख्यमंत्री और पश्चिमी चंपारण के कलेक्टर साहब से मांग है कि अपने आदेश को देखते हुए जांच में लेते हुए इस डाइवर्सन को जल्द से जल्द चालू कराएं। जय हिंद, जय लोजपा। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।